बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक ओरियो बिस्किट और दूसरा व्हिपिंग क्रीम। तो इधर जो है मैंने ओरियो बिस्किट ले लिए हैं, 20 मैंने बिस्किट लिए हैं, उनको सेपरेट कर लिया है कि क्रीम मैंने सेपरेट कर लिया है इसमें से और बिस्किट्स को सेपरेट कर लिया है। आप किसी भी फ्लेवर के बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, ओरियो के ही हों, बहुत से फ्लेवर्स में आते हैं। तो चलें आप क्या करते हैं, ये जो बिस्किट्स हैं हम इनको चॉप कर लेते हैं। आप किसी भी ब्लेंडर में डाल के इनको पीस सकते हैं, आप चाहें तो बारीक पीस सकते हैं और अगर चाहें तो जिस तरह से मैंने पीसे हैं इस तरह से भी इन्हें आप पीस सकते हैं। इधर जो है मैंने एक पूरा कप भरकर व्हिपिंग क्रीम ले ली है, जो कि मेरे पास स्वीट है, तो इसके अंदर मेरे पास जो क्रीम थी बिस्किट्स की वो भी मैंने ऐड कर ली है। अब हम इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है तो आप इस क्रीम को जूसर वाले जग में डालकर भी जौन सा है बीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट सी वीडियो है। और देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये वाली आइसक्रीम। आइसक्रीम कोई भी हो मज़े की लगती है और ये जो है बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलें अब इतना मैंने इसको व्हिप किया है 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अपने ओरियो बिस्किट हम ऐड करेंगे। ये देखें, पहले हाफ डालेंगे और इसको अगेन हम चला लेंगे और ये भी डालकर हम इसको दोबारा से चलाएंगे। क्रीम जो है आप व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ कीजिएगा, इससे जो है बहुत ही अच्छा आपकी क्रीम का टेक्सचर आता है और आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी आपकी क्रीम के अंदर आइसक्रीम के अंदर नहीं बनते हैं। तो ये देखें, ये अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इसको इसी बाउल के अंदर हम सेट करेंगे, ऊपर एक रैपर लगाएंगे और कवर करेंगे और इसको 6 से 7 घंटे के लिए हमने फ्रिज में जमाने के लिए रख देना है। तो चलें फिर इसको हम रखते हैं और आपसे मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। तो जी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब 6 से 7 घंटे गुजर जाने के बाद मैंने जो है अपनी आइसक्रीम फ्रीज़र से निकाल ली है और जब मैं अपनी इस आइसक्रीम को कप्स में डाल रही थी तो मेरा जो मोबाइल है वो स्टैंड के ऊपर से गिर के आइसक्रीम में आ गया। आइसक्रीम जो है बहुत अच्छे से जमकर तैयार हुई है, तो मैं इनको आइसक्रीम को इस कप में डालकर आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर जो है हम ओरियो बिस्किट लगाएंगे, तो यमी यमी सी ओरियो आइसक्रीम रेडी है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।